High drama in the Jammu and Kashmir Assembly, an emotional moment as Jammu and Kashmir Chief Minister Omar Abdullah made a startling statement that he quits as Chief Minister until his name is cleared from a sex scandal. Only moments before saying that he's resigning, the PDP said that Omar Abdullah was involved in a sex scandal. And here are the charges made by PDP leader Muzaffar Beg. He said that he has a copy of CBI's list which names Chief Minister Omar Abdullah among those involved in a sex scandal. Omar Abdullah has lost the moral authority to rule the state and that he must resign. Shortly after Omar Abdullah said that he was resigning, pandemonium broke out in the assembly with the National Conference leader surrounding Omar and demanding that he withdraw his statement. However, an emotional and passionate Omar refused to budge, saying that until his name is cleared, he will step down. आज हम इस हद तक गिर जाएंगे ये मुझे उम्मीद नहीं थी। चलिए अल्लाह का शुक्र है कि आखिर उन्होंने अपनी बात अपनी जुबान पर वो बातें लाई जो अरसे से उसके तरफ ये लोग इशारा कर रहे हैं। हकीकत ये है कि कानून का तकाजा है कि आदमी तब तक निर्दोष है जब तक उसको दोषी साबित नहीं किया जाता। शायद चोरी, डकैती, लूटमार, इन सब चीजों में ये बात शायद हम मान लेते, लेकिन बदकिस्मती से जो इल्जाम, जो झूठा इल्जाम मेरे खिलाफ आज पीडीपी के एक मेंबर में लगाया है, इसमें हकीकत यह है कि मैं तब तक गुनहगार हूं जब तक मुझे कोई बेगुनहगार या बेगुनाह जो है साबित नहीं करता। ये एक ऐसा कलंक जो है, एक ऐसा धब्बा मेरे ऊपर लगाया गया है। आप इसको रिकॉर्ड से एक्सपंज करें, आप होम डिपार्टमेंट से इसकी इंक्वायरी कराएं, आप जो कुछ भी करें कोई फायदा नहीं होगा, मैं काम कर नहीं पाऊंगा जब तक मुझे बेगुनाह साबित नहीं किया जाता। इसलिए यहां से जाके मैं जनाब गवर्नर साहब को अपना इस्तीफा सौंपने जा रहा हूं। Well, let's in fact now take a look at that comment made by the PDP leader Muzaffar Beg. Shocking allegations against Omar Abdullah, which provoked the Jammu and Kashmir Chief Minister to step down. जब मैं वहां से वापस आया खबर दब चुकी। अगर मैं उन दिनों यहां होता तो मैं मुफ्ती साहब से जरूर कहता कि आप सीबीआई से इंक्वायरी करें, क्योंकि बड़े बड़े अफसर के नाम आए। लेकिन जब दोबारा सेक्स स्कैंडल की बात और अफसरों की बात, पॉलिटिशियंस की बात आई, मैंने आधे घंटे के अंदर चीफ मिनिस्टर साहब आजाद साहब को एक चिट्ठी लिखी कि लगता है कि इसमें
हमारी रियासत के बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व, इसलिए मुनासिब होगा कि लोकल पुलिस से भी बल्कि सीबीआई से इंक्वायरी करें और दूसरे दिन में सीबीआई से इंक्वायरी का आरोप होगा। सीबीआई ने इंक्वायरी की और पहले लिस्ट उन्होंने कोई 29 मुलजिमों की, पहले चार्जशीट से फर्स्ट चार्जशीट उन्होंने हाईकोर्ट को पेश किया। उसके अलावा जिन लोगों के खिलाफ तहकीकात जारी है वो 100 कुछ है। सीबीआई ने सेक्स स्कैंडल में सीबीआई इंक्वायरी कर रही है, उनका नाम मुलवस पाया गया है, लेकिन अभी चार्जशीट उसका उन्होंने अदालत में पेश नहीं किया है। हाईकोर्ट ने यह सवाल आज खड़ा है कि क्या उन लोगों के खिलाफ इंक्वायरी हाईकोर्ट के सुपरविजन में की जाए या सीबीआई इंडिपेंडेंटली करे। यह सवाल अब फुल बेंच के पास रेफर हुआ है। आप इस लिस्ट में सीरियल नंबर 102 पर लिखिए, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि सीरियल नंबर 2 में उमर अब्दुल्ला सना फारूक अब्दुल्ला का नाम है। ही हैज लॉस्ट द मॉरल अथॉरिटी टू रूल द स्टेट, ही मस्ट रिजाइन।